स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 4G स्कूल में। हम आज सीखने वाले हैं संविधान दिन, इस विषय पर आप निबंध और भाषण मराठी में किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी रहनुमाई हम आपको यहाँ पे करेंगे। याच्याबद्दल तुम्हाला आम्ही मार्गदर्शन करणार आहोत की सोप्या शब्दात तुम्ही कशा प्रकारे निबंध अथवा भाषण लिहू शकता। आपल्या मित्रांना नेहमी अडचण होते की आपण नेहमी वर्गात किंवा शाळेमध्ये कशा प्रकारे भाषण करावे किंवा कशा प्रकारे परीक्षेत येणारा निबंध लिहावा, याच्याबद्दल आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मार्गदर्शन करणार आहोत। तर अशाच प्रकारचे जर व्हिडिओ तुम्हाला नेहमी उपलब्ध व्हावे आणि तुम्हाला नेहमी त्यांची माहिती व्हावी, आपको हमेशा इस बारे में पता चले की नवा व्हिडिओ कब अपलोड हुआ है आपकी मदद के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं अपने भाषण की ओर या निबंध की ओर। चला मराठी मध्ये 26 नोव्हेंबर हा दिवस भारतात संविधान दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। भारताची राज्य घटना हे भारताचे संविधान आहे। म्हणजे 26 तारीख को जो होता है नवंबर के, अपने पास संविधान दिन ये मनाया जाता है और भारत की राज्य घटना ये भारत का संविधान है। ओके, चलिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत। शिल्पकार मतलब जिन्होंने इस संविधान को आकार दिया या उसका पाया या बेसिक बनाया, उसमें मदद की ज़्यादा से ज़्यादा। 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसुदा समिती स्थापन केली गेली। म्हणजे 29 ऑगस्ट 1947 में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनके मार्गदर्शन में, इनके इख्तियार में भारतीय संविधान की समिति जो होती है वो मसूदा समिति स्थापन की गई थी उनके देखरेख में। अनेक बैठका व चर्चा सत्रानंतर या समिति ने सादर केलेला अंतिम मसूदा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने स्वीकारला। त्यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो। मतलब जो संविधान दिन हम मना रहे हैं, जो संविधान दिवस आम्ही साजरा करत आहोत, त्याची जी पाय आणि जी बेसिक आहे ते आपण त्या दिवशी स्वीकारलं होतं, मतलब उसको हमने अपनाया था, इसलिए उस दिन ये मनाया जाता है संविधान दिन। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ भारतीय संविधान दिन साजरा केला जातो। भारत सरकारने आंबेडकरांचे 125वे जयंती वर्ष साजरे केले जात असताना त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला। म्हणजे जो 125वा त्यांचा जन्मवर्ष होता, जयंती वर्ष, त्या दिवशी त्यांना एक प्रकारे श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि त्यांचे एक आभार व्यक्त करण्यासाठी भारत सरकारने त्या 2015 रोजी पहिल्यांदा संविधान दिवस साजरा केला। भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे। हे संविधान लिहिण्यासाठी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी लागला होता, बरं का? आणि जवळपास 12,000 पानाचे महान असे संविधान लिहिले। मतलब आप इसको पूरा जो लिखना है पूरा करने को इस समिति को तकरीबन उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम लगा और 12,000 पानों का इतना लंबा चौड़ा ये बहुत बड़ा संविधान हमारा बनाया गया। महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 24 नोव्हेंबर 2008 आदेश काढून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते। भारतीय संविधान हे भारत देशाला एकता, न्याय, समता आणि बंधुता या मूल्यांच्या आधारावर
सर्व भारतीयांना एकत्र जोडणारे आहे। मतलब जो महाराष्ट्र शासन है उन्होंने 2008 को ही 24 नवंबर को एक जीआर निकाला और 26 नवंबर ये दिन संविधान दिन बोल के मनाया जाए, इस तरह से फर्स्ट राज्य बना है, पहला राज्य महाराष्ट्र था। तो भारत का जो संविधान है हमको एकता, मतलब हम सब एक हैं, न्याय मिलता है सबको, सब समान है और सब में बंधुभाव है, इस मूल्य पर हमको एक भारतीय को सबको जोड़ता है और एक रहने की सहूलियत करता है। भारतीय संविधानातील मौलिक तत्वे, मूलभूत अधिकार तसेच कर्तव्य सर्व भारतीयांना संस्कृत करीत आहे। संविधान दिनाचा उद्देश हा संविधानाबद्दल जनजागृती करणे व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार सर्वत्र करणे हा आहे। त्यामुळे आपण सर्व भारतीयांनी एकजुटीने आपले हक्क कर्तव्य जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडूया। भारतीय संविधानातील मतलब जो भारत का संविधान है उसमें के जो तत्व है, जो अपने को अधिकार है और जो बेसिक कर्तव्य है अपने, इनकी मालूमात देने का काम हमें वो करता है। और संविधान दिन का जो उद्देश्य है जो जनजागृति, मतलब संविधान के बदल ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमें हो और हम उसके बारे में जाने, और जो संविधान लिखने वाले हैं जो इनके समिति के अध्यक्ष थे, जो समसुदा समिति के बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों का प्रसार सब तरफ हो, इसलिए इस संविधान दिन को मनाया जाता है।